दिल्ली के रनहोला इलाके में एक हॉस्पिटल के अंदर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब उस हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाले दो प्लम्बर सहित एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। लगभग 3 लोगों की इस हॉस्पिटल में मौत हुई है। मैं उसी हॉस्पिटल के सामने खड़ा हुआ हूँ। ये मेरे सामने ही वो हॉस्पिटल है जहाँ पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस हॉस्पिटल के जो नीचे है वो वाटर टैंक बना हुआ था, उसमें प्लम्बर फिटिंग करने के लिए उतरे थे और तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। बताया जा रहा है कि बिजली का करंट लगा है, लेकिन अभी ऑफिशियल कोई इस पर पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जिस तरह से 3 व्यक्तियों की मौत हुई है, काफ़ी दर्दनाक मौत हुई है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इसी हॉस्पिटल के जो है ऑनर के भाई साहब, हम उनसे भी बात करें। सर, क्या पता चला आपको जब आप यहाँ पहुँचे? सर, मेरे को यहाँ पता ये चला है कि जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, मैं करीब 1.5 घंटा पहले मेरे को पता लगा था, मैं दूर था काफ़ी यहाँ से, तो जैसे मेरे को पता लगा तो मैं वहाँ से चला तुरंत। तो जैसे मैं यहाँ आया, 1.5 घंटा मेरे को आने में लगा है, तो यहाँ चारों तरफ इसके पुलिस बिल्डिंग के लगी थी। मैंने भाई को फ़ोन मिलाया था, वो अंदर थे, तो पुलिस जो है ना किसी को अंदर जाने नहीं दे रही थी। तो जैसे ही लोगों से पता लगता रहा, पूछते रहे, पता लगता रहा, कोई कहता है कि भाई, कोई कह रहा था बिजली से करंट लगने से ख़त्म हो गए 3 आदमी। फिर किसी से पता लगा कि वो वहाँ जो है ना दम घुटने से हो गया। अभी जो है ना कुछ ऑफिशियली तुरंत जो है ना ऐसा पता नहीं लगा कि असली मतलब वजह क्या है, वजह जो भी है, मगर बड़े बहुत दुख की बात है कि ये जो हादसा हुआ, आदमी की हानि हुई है, 2-3 आदमी की सुनते हैं, तो इस उनके लिए बहुत बहुत संवेदना है। जैसे अभी ये नवनिर्मित हॉस्पिटल है, हाँ, क्या यहाँ पे पेशेंट को एडमिट वगैरह किया जा रहा है क्या? हाँ, एडमिट किया जा रहा है। मेरे ख्याल में यहाँ इसमें उसमें आदमी मतलब पेशेंट हैं और कार्य चल रहा है, लेकिन वो कहीं अलग स्थान था जहाँ कहीं काम कर रहे होंगे। ऐसे तो चलता रहता है, कोई ना कोई टूट फूट चलती रहती है, तो ऐसी कोई जानकारी मिल पाई कि कौन लोग थे जिसकी मौत हुई? कि बता रहे प्लम्बर थे या क्या नाम वगैरह कुछ पता चल पाया? नहीं, नाम वाम का मेरे को अभी पता नहीं लगा। मैं भी आप ही की तरह यहाँ आके मतलब अंदर जा भी नहीं पाया हूँ, ठीक है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं पता है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है जहाँ पर पहुँचे थे। कुछ आपको पता चला इसके बारे में क्या? हमें नहीं पता चला, हम अब शाम से ही खड़े हैं यहाँ पर। कौन था जिसको निकाला, डेड बॉडी निकाली गई, ये नहीं पता चला कि क्या नाम था, कौन था? हमें नहीं पता, हम तो देख रहे थे यहाँ पर। तो जिस तरह से यहाँ पर लोग पहुँचे और जिस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ, 3 की मौत बताई जा रही है, सूचना मिलने के बाद में मौके पर पुलिस पहुँची, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची। चूँकि बताया गया था जो कॉल चली थी वो बिजली का करंट लगने से मौत की सूचना मिली थी, जिसके बाद में यहाँ पर तुरंत एम्बुलेंस पहुँची और जब तक ये सभी जो है सुरक्षा बल पहुँचते तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जिसमें 3 लोग मौत की नींद सो चुके थे। हालांकि ये दर्दनाक जो हादसा है वो इतना दर्दनाक था, बताया जा रहा है जो नीचे वाटर टैंक जो बना है उसके अंदर से रेस्क्यू करके उन 3 को निकाला गया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली से OP शुक्ला, दिल्ली तक।